हेलो गाइस, आई एम अपेक्षित एंड यू आर वाचिंग ट्रैवोफिलिक। आज हम आए एक लोकेशन पे, नागभीड़ से 10 किलोमीटर आगे है। आप परजागढ़ सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगा। रास्ता थोड़ा ऐसे ऑफ रोडिंग वाला है, तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड है ना आप। ये जो है ये वाला है मेन एंट्रेंस, ये जो दरवाज़ा लगा है इसके चारों तरफ फेंसिंग है। यहाँ पे मेला लगता है शिवरात्रि के वक्त। आपको अगर यहाँ पे पहुँचना है तो नागभीड़ से 10 किलोमीटर आगे जाके घोड़ाझरी के लिए जो रास्ता रहता है उसके बाद में एक राइट टर्न है। वहाँ से राइट टर्न लेके बहुत छोटा रास्ता है, वहाँ से सीधा सीधा आना जब तक रास्ता ख़त्म नहीं होता है। तो ये जो पीछे दिख रहा है वो एंट्रेंस है, यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, वहाँ से मेन चढ़ाई शुरू होती है। जो वो 2 किलोमीटर वाला स्ट्रेच है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ चलना, और उसके बाद में फिर ईजी है और फिर सीन भी अच्छा हो जाता है। कुछ दिनों पहले, महीनों पहले यहाँ पे ग्रुप आया था ऐसे घूमने के लिए, वो भी ब्लॉगर्स ही थे, तो उनको यहाँ पे एक शेर स्पॉट हुआ। तो मैं थोड़ा डर गया था यहाँ पे आने से पहले कि आना चाहिए या नहीं, पर फिर बात की एक दो लोगों से और मन बना लिया फिर और आ गया यहाँ पे। यहाँ हमने एक और ब्रेक लिया पानी पीने के लिए। इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ पर कि थोड़े देर तक चलते ही पसीना पसीना हो जाते हैं और थक जाते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो आप बहुत अर्ली मॉर्निंग आने का ट्राई करें ताकि ऐसी धूप का सामना ना करना पड़े। ये वाला जो शूट कर रहा हूँ मैं, ये सेकेंड टाइम कर रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में मेरे माइक से प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरी बिल्कुल भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो मैं सेकेंड टाइम फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ट्रिप्स के फ़ोटो डालते रहता हूँ विद छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और लाइक दे सकते हैं। अब शायद से हम आधा रास्ता आ चुके हैं, फिर भी गूगल मैप्स पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहाड़ और दूर है, यहाँ से शायद से ही टॉप दिख रहा है। हाँ, टॉप दिख रहा है यहाँ से, पर मेन चढ़ाई तो शुरू होने की है। तो स्टे ट्यून्ड देखने के लिए कि आगे से क्या नज़ारा दिखता है। यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये जगह है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है परजागढ़ की। मोस्टली यहाँ पे आज रिलीजियस प्लेस के हिसाब से आते हैं लोग और ऊपर चढ़ते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, पर इसके अलावा यहाँ की ट्रेकिंग करने के लिए जो रास्ता है बहुत अच्छा है। मतलब नागपुर में है ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नागपुर के आसपास इतनी अच्छी पहाड़ी वाली जगह हो सकती है। अभी शायद धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी डिहाइड्रेशन होते जा रहा है। टॉप पे पहुंचने के बाद होपफुली थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, नहीं तो फिर वापस आते आते बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये बेस पे ओहो, काफ़ी बड़ा है ये पहाड़, बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते हैं यहाँ पे, तो होपफुली उसके पास से रास्ता ना हो कोई। तो ये है वो पहाड़ जिसके ऊपर चढ़ना है हमें अभी, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये है रास्ता, ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में रेलिंग के साथ साथ में ऊपर चढ़ना है और बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है ये, और धूप मेरे पीछे से आ रही है तो
कॉन्ट्रास्ट में बहुत अजीब लगने वाला है ये वीडियो, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। ये जगह बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए यहाँ का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे पूरी झाड़ी जंगली घास रास्ते पे आई है और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक दरवाज़ा दिख रहा है और एक खिड़की है और वो नीचे में रास्ता जा रहा है, तो लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टाइल की ग्राफिटी की हुई। अभी हम जस्ट यहाँ आते वक्त कार से गांव में आए थे, वहाँ पे प्रॉफिट एट्सेट्रा जो भी काम की बिजनेस वाली और मैथ्स की चीज़ें हैं उनके फॉर्मूला दीवार पे लिखे रखे थे। और अभी यहाँ पे देखो क्या है, ये नीलेश गौज रूपाली वो नहीं है दोनों। तो अभी हम दरवाजे के अंदर घुस रहे हैं। हम नहीं, तुम। ओके, यहाँ पे एक गुफा है, छोटी सी घर है ये शायद किसी का, घर ही है पर शिट चमगादड़ है वहाँ पे। ये सीन देखने के बाद में मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बढ़ गई है, ऊपर जाके क्या मिलेगा उससे। यहाँ पे मेरे पीछे में सात मूर्तियाँ हैं, ये वो सात बहनों की मूर्ति है जो यहाँ पे रहती थी, जिनके ऊपर से ये वाला पहाड़ का नाम पड़ा है, सेवन सिस्टर हिल। जबरदस्त, वाह, चौसाड़ा की याद आ गई। बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा है, यहाँ से ऐसे लग रहा है कि कोई हिल स्टेशन पे आ गया है, भले इतना बड़ा हिल स्टेशन नहीं है। ये आपको व्यू दिखाए मैंने अभी और टेम्परेचर भी अच्छा खासा कम है, मतलब इतनी गर्मी नहीं हो रही है, पसीना आना बंद हो गया है और हम थक भी नहीं रहे अभी, बस अभी इस व्यू का मज़ा उठा रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा पानी लेके आना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। मेरी लोकल अथॉरिटी से एक छोटी सी अपील है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन सकता है, क्योंकि ऐसी जगह नागपुर में नहीं है। तो यहाँ पे इस व्लॉग को होपफुली देखने के बाद लोग और आ जाए देखने के लिए इस जगह को। हाँ,
अब पिछले व्लॉग डालने के बाद ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे को, मतलब ऐसे दोस्तों के पर्सनल मैसेज आए थे कि जैसे उनके रिलेटिव्स ने देखा वीडियो तो उनको मतलब वीडियो देख के वहाँ जाने की इच्छा हुई। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है ऐसा कि मेरा व्लॉग देख के लोगों को वहाँ पर जाने की इच्छा हो रही है। तो बस यही एक्सपेक्ट करता हूँ मैं अपने सारे आगे के व्लॉग से। प्लान हम ऊपर पहुँच कर खाना खाने वाले थे, पर ये धूप देख के फिर बीच में ही रुक गए और हमने ये यहाँ पे बैठ के खाना खाया है। दिखाता हूँ आपको, ये मम्मी है मेरी और ये पापा है और ये अरे तो यहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देखते ऊपर से कैसा व्यू है। तो अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। बस थोड़ी सी ठंडी चाहिए थी और तो बहुत परफेक्ट हो गया होता। मतलब हिमालय नहीं चढ़े हैं लेकिन अचीवमेंट कुछ वैसा ही लग रहा है, दिल को बहुत चढ़े, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा चढ़े। एक्सप्लोर करने के लिए मैं हमारे घर के अंदर घुस गया हूँ। तो बहुत ही पुराना घर है ये, कभी भी टूट सकता है। तो ये था टॉप पेरजागढ़ हिल का, और ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का आइकॉनिक फोटोजेनिक लोकेशन। यहाँ पे लोग आके फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो थोड़ा रिस्की है पर सेफली भी यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं। जैसे मैंने खींचा है, आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिख जाएंगी फ़ोटोज़। अब हम थोड़ी और फ़ोटो खींचेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे फ़ोटोज़ लेके हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से चलते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट रेलिंग्स सीधा खाई है, बस रेलिंग्स ही आखिरी प्रोटेक्शन है। तो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, खुद ही सेफली चलना है। और जूते पहनना यहाँ पे मस्ट है, पानी कैरी करो, हो सके तो थोड़ा खाना भी ले लो क्योंकि एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया और 3 बजे उठ गया था सुबह सुबह। और यहाँ पे आके बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई है, बहुत मज़ा आया। आगे का रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ जा रहे हैं, बस रेलिंग्स के सहारे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा नेचर लवर है, मतलब ट्रैकिंग भी पसंद है उनको, सिर्फ एक जगह पे जाके फ़ोटो खिंचवाना नहीं है उनको। यहाँ नियरली हम 7 घंटे से है चढ़ रहे, अभी उतर रहे हैं, मज़ा आ रहा है पर थक भी गए हैं, तो आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है। जो मैं ये स्टंट कर रहा हूँ वो भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस उतार है, यहाँ से गिर सकते हैं, इसलिए मैं कैमरे में भी देख रहा हूँ, बस भूलते जा रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा थक गया वो भी कि मेरे हाथ में गिम्बल उठाने की भी
ताकत नहीं बची है, मैंने हरीश को दे दिया गिम्बल, अब मैं सिर्फ फ़ोन पकड़ के व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरी अभी अपील है सब व्यूअर्स से, अगर आपको ऐसी कोई अननोन जगह पता होगी जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते या फिर ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे DM करो या फिर कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको पार्टिसिपेट भी होना है वो ब्लॉग में, और अगर आप नागपुर के वासी हो और अगर आपने वो जगह सजेस्ट की है तो आपको भी वो लॉग में इंक्लूड किया जाएगा। 30 सेकंड फुटेज मिलेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।